हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद टीचर में। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के भाग 8 को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले विषय वस्तु की। किसकी बात करने वाले हैं? विषय वस्तु की। तो आपको विषय वस्तु में मैंने आपको बताया अपन ने कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए। अपन ने पहला टॉपिक था रसायन विज्ञान का महत्व, इसको कंप्लीट करा। द्रव्य की प्रकृति अपना कंप्लीट हो चुका है। द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन कंप्लीट हो चुका है। मापन में अनिश्चितता अपन ने कल कंप्लीट करा। और आज का जो अपना मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक संयोजन में या रासायनिक संयोजन के नियम, है ना। 1.5 टॉपिक रहेगा अपना रासायनिक संयोजन के नियम। तो आज की वीडियो में अपन रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पूरा होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जाएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये एक काम आप जरूर करके जाएंगे। बात क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो देखिए, आज का जो मेन टॉपिक रहेगा अपना क्या रहेगा? रासायनिक संयोजन के नियम 1.5 जो टॉपिक है वो रहेगा। ठीक है, अब आपको मेनली बता दूं मैं, रासायनिक संयोजन के नियम है। नियम किसके? रासायनिक संयोजन के। रासायनिक संयोजन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं थोड़ा यहां पर ही। रासायनिक संयोजन जब अपन क्या करते हैं, आपने सुना होगा तत्व, आपने सुना होगा तत्व, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो तत्वों के मिलने के मिलते हैं वो और मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो उनमें, उन तत्वों के मिलने में कौन कौन से नियम होते हैं? संयोजन मतलब क्या होता है? मिलना। रासायनिक मतलब रासायनिक संयोजन। रासायनिक मतलब रसायन क्या है? रासायनिक क्या है? स्टार्टिंग में हॉल्फमैन ने क्या कहा था? रसायन क्या है? रासायनिक विज्ञान वह है, ये अणुओं का विज्ञान है, ये तत्वों अणुओं का विज्ञान है। तो इसमें भी यही है, रासायनिक संयोजन के नियम मतलब जब दो तत्व मिलते हैं, जब दो तत्व, दो एलिमेंट्स मिलते हैं, तो वो उनका जो संयोजन होता है, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, जब वो बॉन्ड बनाते हैं, तो वो उनमें कौन सा नियम लगता है, कौन कौन से नियम लगते हैं, उन्हीं का ही अध्ययन अपन रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत देखेंगे। तो ये मुख्यतः पांच नियम है। कितने नियम है भैया? पांच नियम है। कितने भाई? पांच नियम है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, चौथा नियम है गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम, और पांचवा नियम है अवोगाद्रो का नियम। बात क्लियर? पांच नियम है रासायनिक संयोजन के। कौन कौन से? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलुसेक का, गैसीय आयतनों का नियम और अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, ये पांच नियम है जिनको अपन बारी बारी से एक एक वीडियो के माध्यम से सेपरेटली समझेंगे और बहुत स्पष्टता से समझेंगे कि ये नियम बताना क्या चाहते हैं। तत्वों के मिलने में, तत्व जब मिलते हैं और उनसे यौगिक बनता है, तो उनमें ये कौन सी भूमिका अदा करते हैं? चलिए स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे रासायनिक संयोजन के प्रथम नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम से, है ना। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहली बात समझेंगे, कोई भी नियम होता है उसको बनाने वाला जरूर होता है। जैसे ये पृथ्वी है, इसको किसने बनाया? इसका जो क्रिएटर है वो कौन है? भगवान है। ठीक है, लॉर्ड है। चलिए, है ना, कोई ड्राइंग बनाता है ना, तो वो ड्राइंग बनाई किसी ने और अपन ने किसी ने तारीफ करी, तो पूछा भाई ये ड्राइंग किसने बनाई, यानी ड्राइंग को बनाने वाला भी कोई ना कोई होता है ना। जितनी भी अपन आसपास चीज़ें देखते हैं उनका कोई ना कोई क्रिएटर होता है। फ़ोन को भी किसी ने बनाया होगा, लैपटॉप को भी किसी ने बनाया होगा। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ का कोई ना कोई क्रिएटर होता है। उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, इसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। तो उसके विषय में जानते हैं भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बनाया किस वैज्ञानिक ने? क्योंकि बनाने वाला कोई ना कोई वैज्ञानिक होगा, आम आदमी तो होगा नहीं। लेकिन उस वैज्ञानिक का नाम जानने से पूर्व मैं आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे वो समझ लेते हैं। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
द्रव्यमान को मास कहते हैं, संरक्षण को कंजर्वेशन कहते हैं, लॉ को अपन क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बात क्लियर। चलिए अब जान लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने बनाया, और वो वैज्ञानिक बहुत खास है भैया, है ना, वो बहुत खास है। कौन है वो, चलिए जान लेते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम के खोजकर्ता कौन थे, आंतोइन लावुसिए। आंतोइन लावुसिए ये कौन थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को खोजने वाले, उसको बनाने वाले कौन थे, आंतोइन लावुसिए ये कौन थे। ये रसायन शास्त्र के पिता कहलाने वाले व्यक्ति थे, ये रसायन शास्त्र के पिता कहलाते हैं। जनरल साइंस में कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है रसायन शास्त्र के पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है, तो आप वहां पर ऑप्शन होगा तो वहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंतोइन लावुसिए है। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो खोजकर्ता कौन थे भैया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के, आंतोइन लावुसिए। अब समझते हैं आंतोइन लावुसिए ने नियम बनाया किसका, द्रव्यमान संरक्षण का। तो ये नियम था क्या, ये नियम बताता क्या है, क्या है इस नियम का स्टेटमेंट, क्या है इस नियम की परिभाषा, तो उसको जान लेते हैं। देखिए नियम जो है वो है, द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बड़े ही सिंपल से उन्होंने, जो आंतोइन लावुसिए जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने बड़े ही स्पष्टता से बोल दिया कि जो द्रव्य होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ना तो बनाए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ना तो बनाए जा सकते हैं, ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ठीक है साहब, आपने बोल दिया, मतलब ये बोल रहे हैं द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है, यानी जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य जो होते हैं, वो तो ना बनाए जा सकते हैं ना ही क्रिएट की मतलब डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं अपने आसपास के ही, अपन ने पहाड़ देखा होगा, क्या आपने पहाड़ देखा है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहाड़ पे ले जाने से पहले इसको इंग्लिश की परिभाषा लिख लीजिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, दिस कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात क्लियर, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो वो क्रिएट होते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं। यही नियम जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं ये नियम क्या है। वैसे आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा, मैं आपको पहाड़ पे लेने जाने वाला था, लेकर जाने वाला था। चलिए पहाड़ पे चलते हैं। पहाड़ आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है, पहाड़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब वो पहाड़ जो है, मान लीजिए उसको अपन तोड़ते हैं, अपन नहीं अपन माध्यमों से तोड़ते हैं, जैसे जेसीबी और ये सब हैं, तोड़ते हैं। टूटा वो, टूटकर वो किस में बिखर जाएगा, छोटे छोटे पत्थरों में, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। ये पहाड़ था, इसको मैंने तोड़ा, तोड़कर मैंने इसको पत्थरों में बदल दिया। अब मैंने क्या करा, इनमें से एक पत्थर लिया, मान लीजिए कोई सा भी पत्थर ले लिया, आपकी मर्जी। आपने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को, ये पत्थर लिया आपने और उस पत्थर को फिर से तोड़ा। अब इस पत्थर को आपने क्या करा, फिर से तोड़ा, और फिर से तोड़ा तो इसके और कण हो गए, है ना, इसके और कण हो गए। ये पहाड़ था, इससे पत्थर बना, और इससे इसमें से एक पत्थर निकाला आपने और इसको भी तोड़ दिया, तो इसके चार पत्थर और टुकड़े निकल गए। अब आपने ये जो पत्थर था इसको और तोड़ दिया, और तोड़ दिया, और तोड़ दिया, और इतना तोड़ दिया इसका चूरा बना दिया। क्या बना दिया भैया, चूरा बना दिया। अब आपने बोला मैं और तोड़ूंगा इसको, तो आपने क्या करा, बहुत एफिशिएंसी वाला, बहुत दक्षता वाला क्या लिया, माइक्रोस्कोप लिया, ठीक है, जो नापता है ना भैया, छोटी चीज़ों को दिखाता है, उसको लिया आपने, उसको लिया और आपने देखा भैया कि है ना, मेरे को और तोड़ना है इसको, तो आपको और थोड़ा सा उसमें से थोड़ा मोटा और मिल गया, तो आपने एक मशीन के उपयोग से फिर से तोड़ा उसको, और इतना तोड़ दिया कि इतना छोटा हो गया वो। और आपको पता है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, परमाणु होती है, और परमाणु को अधिक और विभाजन नहीं किया जा सकता, परमाणु को जो और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, जो एटम होता है उसको और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। ये अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सबसे पहले इस बात को सिद्ध करने वाले, सिद्ध तो चलिए बताने वाले जो दार्शनिक थे वो थे हिंदुस्तान की
पृष्ठभूमि में से निकलने वाले महर्षि कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद ने बोला था कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। इस बात पे मोहर लगा दी थी हमारे जो जो फॉरेन के जो फॉरेन कंट्री के जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉल्टन। तो उन्होंने इस पर मोहर लगा दी थी, उन्होंने मोहर बोल दिया था कि भैया हाँ ये क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है, अविभाज्य होता है, और प्रत्येक तत्व के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये उनके स्टेटमेंट थे। तो मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाहता हूँ, पदार्थ जैसे फोन, फोन किससे बनता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है। तो आप फोन को नष्ट कर दें, आप मानते हैं, आपने बोला ऐसे कैसे, मैं तो नष्ट कर सकता हूँ फोन को, आपने बोला नहीं मैं जो आंतोइन लावसी है इनके नियम से मैं सहमत नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फोन जो है उसको तोड़ता हूँ। और आपने तोड़ना स्टार्ट करा और आपने इतना तोड़ दिया, उसका बुरादा बना दिया, लेकिन फिर भी आप उस फोन को नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आंतोइन लावसी ने कहा कि द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आप फोन को बना सकते हैं कृत्रिम रूप से, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने सवाल उठाता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे प्रकृति में जितने भी उपस्थित हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया पहाड़ का, मैं आपसे पूछता हूँ क्या पहाड़ किसी व्यक्ति ने बनाया, जवाब दीजिए, पहाड़ किसी व्यक्ति ने आज तक आपने किसी न्यूज़ में या अपने आसपास कभी सुना है कि पहाड़ किसी व्यक्ति ने बनाया हो, और वो पहाड़ मतलब उस पहाड़ को सजाया है, वहाँ आप जा सकते हैं, हिल स्टेशन है भैया, इस प्रकार से नहीं, ये पहाड़ बना है लाखों 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 कालों के छोटे छोटे समय खंडों से, मतलब बहुत समय से एक 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 पत्थर जुड़ जुड़कर इतने बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं, जो कि अपनी ही रक्षा करते हैं। और आज हम देखते हैं ये जो पहाड़ हैं वो टूटे जा रहे हैं, है ना, लोग इसे तोड़ रहे हैं, मैदान बना रहे हैं। तो ऐसा देख के थोड़ा मन विचलित सा हो जाता है कि जो चीज़ किसी मनुष्य द्वारा पुनः निर्मित नहीं की जा सकती, प्रकृति के बहुत समय खंडों का, मतलब इतने सारा समय लगा है, उस समय का प्रयोग हुआ है इन बड़े बड़े महान पर्वतों को बनाने में, और उन पर्वतों की महत्व को ना समझते हुए अपन उनको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है अपने पास, कि द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना तो आप पहाड़ को बना सकते हैं और ना ही आप पहाड़ को नष्ट कर सकते हैं, आप कितना ही तोड़ लें लेकिन उसके परमाणु को आप कभी भी नष्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ किसने कही, आंतोइन लावसी ने। ये तो अपन ने एक भौतिक जगत के आधार पर समझा इस बात को, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक विज्ञान, केमिकल, है ना, केमिकल की दुनिया में अपन जी रहे हैं, है ना, केमिकल को पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री को पढ़ते समय अपन को केमिस्ट्री के जो लॉज हैं उनको केमिस्ट्री के उदाहरण से ही समझें तो बहुत अच्छा होगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ शब्दों को समझाने के लिए आपको मैंने बताया कि द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये मैंने आपको समझाया। अब इसको थोड़ा केमिस्ट्री के क्षेत्र में लेकर जाते हैं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको लेते हैं उदाहरण केमिस्ट्री से, तो आपको दिख रहा होगा, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में बने हुए उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अपन ने जो अभी परिभाषा पढ़ी पीछे, द्रव्य जो है वो तो ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थात अपन ने बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ रखी हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रखी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, ठीक है, है ना, H2O जल कैसे बनता है, और अधिक प्रकार की बहुत सारी अपन ने रासायनिक प्रक्रिया, HCl जो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो किस प्रकार से बनता है, और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर अपन ने पढ़ रखी हैं। तो उसी के आधार पर आप उनको यदि ध्यान में लगाएंगे और इस लाइन को पढ़ेंगे तो ये लाइन कह रही है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, अभिकारक मतलब वो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो दो पदार्थ मिलकर जो बना रहे हैं, जो चीज़ बना रहे हैं, तो वो जो दो पदार्थ मिलकर मिल रहे हैं आपस में वो तो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, का कुल द्रव्यमान, यानी वो जो दो पदार्थ हैं जिनसे मिलकर जो वो फल बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है, तो वो जो दो पदार्थ है उन दोनों का द्रव्यमान
बराबर होता है द्रव्यमान अभिक्रिया में बने हुए उत्पाद, यानी उन दोनों पदार्थों को मिलाकर जो पदार्थ अपन को मिला, यानी जो उत्पाद के रूप में जो पदार्थ मिला, कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए एक अभिक्रिया है ना, उस अभिक्रिया में NaCl है ना, NaCl प्लस अपन ले लेते हैं AgNO3, ठीक है, NaCl प्लस AgNO3, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है भैया? इन दोनों को यदि मिलाते हैं तो बनता है AgCl प्लस बनता है भैया अपने पास, NaNO3। AgCl, NaCl, AgNO3 और AgCl प्लस NaNO3, ये बनता है अपने पास उत्पाद। ये दो अभिकारक थे, NaCl और AgNO3, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक थे। अभिकारक यानी ये दो पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं? AgCl बना रहा है एक तो, और एक NaNO3 बना रहा है। तो ये जो परिभाषा है इस हिसाब से समझेंगे, परिभाषा कह रही है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया ले लिया अपन ने, ये रासायनिक अभिक्रिया ही तो है ना। चलिए ये अपन ने रासायनिक अभिक्रिया ले ली, और इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक यानी NaCl और AgNO3 का बात हो रही है, ठीक है। इनका जो कुल द्रव्यमान होगा, यानी NaCl का द्रव्यमान प्लस AgNO3 का द्रव्यमान, इन दोनों का द्रव्यमान मिला के जो द्रव्यमान अपन को मिलेगा वो बराबर किसके होगा? उत्पाद जो अपन को मिला, ये जो उत्पाद है, ये जो उत्पाद मिला अपन को, क्या मिला? AgCl प्लस NaNO3। तो AgCl का द्रव्यमान प्लस NaNO3 का द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमानों को मिलाकर जो अपने पास द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान आता है, वो किसके बराबर होगा? अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यही क्या होता है? इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो इस हिसाब से अपन निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, अतः भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन में बने उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कोई सा भी परिवर्तन हो, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो, चाहे वो रासायनिक परिवर्तन हो, कोई से भी परिवर्तन में जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है, जो द्रव्यमान पदार्थ, तो जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होता है। ये अपन ने समझ लिया। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में आता होगा कि भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। 9th कक्षा की बात है, 10th कक्षा में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता हो सकता है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो परिवर्तन होते हैं भौतिक जगत में या रासायनिक जगत में या विश्व में, कोई भी परिवर्तन होते हैं, उनको दो भागों में बांटा जाता है। उनको कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग होता है वो होता है भौतिक। पहला जो भाग होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन, यानी वो परिवर्तन जो अपन को दिखते हैं। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, क्या है परिभाषा, समझ लेते हैं। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बहुत इजी परिभाषा है। एक पदार्थ लिया आपने, ठीक है, वो पदार्थ लिया आपने और उसको अभिक्रिया करवाई, और उसकी अभिक्रिया करवाई आपने, तो वो पदार्थ का सिर्फ बाह्य रूप, जैसे रंग आकार, जो गंध, ये सारे परिवर्तित हुए, लेकिन उसके अंदर का जो रासायनिक परिवर्तन था वो क्या नहीं हुआ? परिवर्तित नहीं हो। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, शक्कर का पानी में घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। कांच है, टूट गया, तो टूटकर वो सोना थोड़ी ना बन गया, टूटकर वो कोई प्लास्टिक थोड़ी ना बन गया, वो कांच ही था। तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। पहले उसका जो क्या था, द्रव्यमान था, उसका जो आकार था वो कैसा था? रेक्टेंगल था, मान लीजिए ऐसा था, आयतकार था, लेकिन जब वो टूट गया तो पॉलिनोमियल्स यानी बहुत सारे उसमें बट गया, यानी अलग अलग शेपों में बट गया। कोई तिरछा ऐसे कटा है, कोई ट्रायंगल, पता नहीं किस किस प्रकार के कट गया, तो वो निश्चित नहीं रहा, यानी उसके आकार में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार का जो भौतिक परिवर्तन, जो इस प्रकार का जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो भौतिक परिवर्तन होता है।
ये नॉलेज के लिए है। रासायनिक परिवर्तन आपको बताएंगे कि पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक और भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब भौतिक परिवर्तन में क्या था, पदार्थ की जो अवस्था थी वो परिवर्तित नहीं हो रही थी, पदार्थ वही था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, अवस्था से ही चेंज हो रही है। कैसे, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही जमना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन स्थायी होते हैं। वैसे अपन दूसरी भाषा में भौतिक परिवर्तन को अस्थायी कहते हैं क्योंकि ये बदल जाते हैं। जैसे कि ठोस है, मतलब बर्फ का टुकड़ा है, उसको गर्म करा वो पानी में बदल गया, ठीक है। अब पानी को वापस से ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा। तो ये एक अस्थायी प्रकार का परिवर्तन हुआ, ये कैटेगरी में आता है भौतिक परिवर्तन की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया परिवर्तन के विषय में। अपना टॉपिक चल रहा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में सबसे पहली परिभाषा आपने देखी, द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। फिर दूसरा पढ़ा कि भैया जितने भी भौतिक व रासायनिक प्रक्रम होते हैं उनमें भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, उन दोनों के जो द्रव्यमान होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये था इसका मतलब। अब क्या होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछने की थोड़ी क्या रहती है, संभावनाएं रहती हैं इन पांचों नियमों में से। तो अपन एक एक के उदाहरण करेंगे, दो उदाहरण मैं लूंगा, एक उदाहरण को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं और दूसरा उदाहरण का उत्तर मैं आपसे जानने की अपेक्षा करूंगा, है ना। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं, आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। जो भी अपन ने समझा उसको आंकिक उदाहरणों के विषय में समझते हैं। पहला उदाहरण होगा आपके सामने 5.g ग्राम NaHCO3 को 20.0 ग्राम CH3COOH विलयन में मिलाया जाता है तो 4.0 ग्राम CO2 गैस वायुमंडल में मुक्त होती है। कितनी, 4.0 ग्राम जो गैस है CO2 गैस है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। अभिक्रिया में प्राप्त अवशेष यानी उत्पाद की बात कर रहा है, अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद के बाहर का आकलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार कीजिए। ये एक प्रकार का उदाहरण है आपके पास जो कि इस प्रकार से एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश करी है। अब जो पहले आपको बोल रखा है वो समझिए, अभिकारक इसमें जांचिए पहले तो, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने यही दो परिभाषाएं पढ़ी, द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। पहली परिभाषा क्या वो इस सवाल में उपयोगी है, नहीं है, क्योंकि इसमें परिभाषा में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं उस परिभाषा से लूं और क्या करूं, इसको रिट्रीव करूं, इसको इस्तेमाल करूं, ऐसी मेरे पास कोई भी वो नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो मैंने द्रव्यमान संरक्षण में पढ़ी, दूसरी जो परिभाषा थी वो क्या थी कि अभी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये जो परिभाषा इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इस परिभाषा का इस्तेमाल मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कर सकता हूँ। मुझे अभिकारक दे रखे हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभिकारक मुझे दे रखा है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका द्रव्यमान कितना है 5.g ग्राम, ठीक है। और उत्पाद दे रखा है, मतलब एक और मेरे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, एक और मेरे पास अभिकारक दे रखा है CH3COOH, इसका जो द्रव्यमान दे रखा है वो 20.0 ग्राम दे रखा है। देखिए 20.0 ग्राम और 5.6 ग्राम, ठीक है, दोनों दे रखे हैं। इनसे जो उत्पाद बनेगा उसको भी ज्ञात करना है और उसका द्रव्यमान भी ज्ञात करना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि उत्पाद बनेगा कैसे। जब तक उत्पाद नहीं बनेगा, बनाना नहीं आएगा, तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। तो उत्पाद बनाने के लिए अपन ने बहुत अच्छी तरीके से कक्षा 9 में और कक्षा 10 में भी रासायनिक संयोजन, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उसके आधार पर अपन ने विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है। और अपन जानते हैं कि यदि किसी भी तत्व या यौगिक को मिलाना हो तो किस प्रकार से वो मिलते हैं। आपने धनायन ऋणायन को देखा होगा, धनायन ऋणायन की ओर आकर्षित होता है और प्रतिकर्षित होते हैं ऋणायन ऋणायन धनायन धनायन आपस में। तो इसमें भी यही है, इसमें क्या बनेगा, सोडियम जो है वो धनायन है और COO जो है वो क्या है, ऋणायन है। तो ये बनाएगा COONA, ठीक है। पहला जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा CH3COONA बनेगा, क्योंकि H जो है वो धनात्मक है और CH3COO ये ऋणायन कहलाता है।
तो ये Na को आकर्षित करेगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस बनेगा अपना H2O। बचा क्या देखेंगे, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए ये है CH3COONa, है ना, CH3COOH ये है। तो ये किसके नाम से जाना जाता है भैया, ये ऋणायन के नाम से जाना जाता है। किसके ऋणायन के नाम से जाना जाता है, CH3COO, ये आपको ऋणायन होता है, जैसे CH3COO ये क्या होता है भाई, ऋणायन होता है। और Na जो होता है, Na होता है प्लस, तो इसने इसको आकर्षित करा तो क्या बना लिया, CH3COONa बना लिया। पहले बात कंप्लीट। चलिए अब बचा क्या अपने पास, अब बचा हाइड्रोजन बचा है भैया, है ना, CO3 बचा है, CO3 बचा है, और क्या बचा है, CO3 हो गया, ये तो बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया, इसको तो हटाई दो, और एक और H बना है। तो क्या होगा अब, क्या होगा अब, ये जो ये भी ऑक्सीजन जो होता है वो उसके ऊपर भी माइनस चिन्ह होता है, वो भी एक प्रकार का ऋणायन होता है। तो वो क्या होगा, ये H, ये दोनों H आपस में मिल जाएंगे, बनाएंगे H2, और यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, वो बनाएगा H2O, ठीक है, यह बनाएगा H2O। तो H2O बनाएगा, तो यहाँ पर अगला जो उत्पाद बनेगा अपने पास वो क्या बन जाएगा, कौन बताएगा भाई, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। CH3COONa कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया, H2O कैसे बना वो बना बता दिया। अब क्या बचा देखिए, H2O यानी दो H गायब, एक H यहाँ से गायब हो गया, एक H यहाँ से गायब हो गया, ये पूरी तो गया, मेरे पास ये सारे उत्पाद तो हो गए, यहाँ से एक ऑक्सीजन भी गया, तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन बची, दो ऑक्सीजन बचा, और क्या बचा है अपने पास, सी और बचा है ना। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे भैया, आपको पता है क्या बना देंगे, CO2। लेकिन ये बनाएंगे कैसे, ये बनाकर जैसे ही अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये उड़ जाती है CO2, ये रहती नहीं है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ लिख भी रखा है सवाल में, मिलाया जाता है 4.0 ग्राम CO2 गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। कितने प्रतिशत, कितने द्रव्यमान वाली गैस, कितना द्रव्यमान है CO2 का, कितना द्रव्यमान है, 4.0 ग्राम। तो क्या होगा यहाँ पर, और मुक्त क्या हो जाती है, CO2 मुक्त हो जाती है। चलिए अब ये तो अपना क्या है भाई, मुक्त हो जाती है मतलब ये निकल जाती है, इसमें कोई भी नहीं है। तो मेनली अपना जो उत्पाद है, मेनली जो अपना उत्पाद है वो क्या बना, मेनली जो उत्पाद है या अवशेष है वो क्या है, CH3COONa प्लस H2O, यानी इन दोनों का द्रव्यमान ही अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। और मान लेते हैं अपन को इनका द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो एक्स ग्राम इनका द्रव्यमान मान लेते हैं, जो भी अपन को ज्ञात करना होता है अपन जानते हैं उसको एक्स मान लेते हैं। चलिए अब मुक्त क्या हुआ था, कौन सी गैस मुक्त हुई थी, CO2 गैस मुक्त हुई थी, तो यहाँ लिख दीजिए। और मुक्त होने का जो निशान होता है वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है, मुक्त होने के निशान को। चलिए CO2 गैस 4.0 ग्राम मुक्त हुई है, ठीक है। चलिए इतना अपन ने समझ लिया कि रिएक्शन को तो बना लिया है ना, रिएक्शन नहीं दे रखी थी, रिएक्शन को बना लिया। अब इसमें क्या लगाएंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार क्रियाकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान, क्रियाकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान, क्रियाकारक यानी अभिकारक, जो क्रिया में, जो क्रिया के मेन कारक हैं उनको क्रियाकारक कहते हैं। तो क्रियाकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है भैया, बराबर होता है क्रियाफल पदार्थों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जो उत्पाद है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। और हमारे को पता है क्रियाकारक कौन से, NaHCO3 और CH3COOH, ये क्रियाकारक हैं जिनके द्रव्यमान हमारे को दे रखे हैं, एक है 5.g, 5.6g और 20.0g, ये दोनों दे रखे हैं, तो इनको लिख लेते हैं। चलिए क्रियाकारक में तो मेरे पास लिख लिया, अब बराबर लगाइए, बराबर लिखकर अपन क्या निकालेंगे, CH3COONa प्लस H2O, इन दोनों का द्रव्यमान, जो कि मैंने कितना मान लिया, x ग्राम मान लिया, तो x लिख लेता हूँ मैं। चलिए x लिख लिया, प्लस जुड़ेगा अपने 4.0 ग्राम, ये भी जुड़ेगा, तो चलिए ये जुड़ गया। तो अपने पास मेनली इक्वेशन क्या प्राप्त हुई, मेनली जो इक्वेशन थी वो ये प्राप्त हो गई, ठीक है ना। अब सारे बच्चों को गणित आती है, वो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, x का मान निकालना है तो x को इधर ही रखो, बाकी 4.0 को उधर खिसका दो, कैसे, ये देखिए 5.6 प्लस 20.0 इधर ही रखेंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो इधर ले आएंगे तो माइनस का 4.0 हो जाएगा और बराबर में क्या रह जाएगा भाई, x रह जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, बताएंगे x का मान किसके बराबर आएगा,
20.6 ग्राम के, जो कि अपना फाइनल उत्तर होगा। क्या करा इसके अंदर, बहुत अच्छी तरीके से अपन ने समझ लिया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे उपयोग होता है, एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ लिया, दो तीन परिभाषाओं के माध्यम से समझ लिया। अब आपके लिए एक उदाहरण है, उससे पहले मैं आपको होमवर्क देने से पहले आंकिक उदाहरण को इसको वापस से एक बार समझा देता हूँ। क्या करा, सवाल दे रखा था, सवाल में आपको दो अभिकारक दे रखे थे जिनको मिलाकर आपको जो उत्पाद है, अवशेष जो प्राप्त हुआ है, उसका भार ज्ञात करना था, है ना, उसका भार ज्ञात करना था और आपको आंकड़े दे रखे थे। आपने क्या करा, सिंपल से आपने परिभाषा का उपयोग करा। कौन सी परिभाषा थी, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद के द्रव्यमान के तुल्य होता है, समान होता है। तो इसी आप इसी परिभाषा का उपयोग करके आपने अपने सवाल को सॉल्व करा, दोनों अभिकारकों को लिखा, दोनों के द्रव्यमानों को लिखा, दोनों की अभिक्रिया करवाई, नाइन्थ क्लास का कंसेप्ट लगाया, अवधारणा लगाई, संकल्पना लगाई, और आपने ये जो उत्पाद बनाया, और उत्पाद का द्रव्यमान आपको पता नहीं था, इसलिए आपने एक्स ग्राम मान लिया, और आपने जो CO2 गैस थी वो वायुमंडल में मुक्त हो रही थी, उसका भी द्रव्यमान लिख लिया। फिर आपने लिखा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार क्रियाकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है क्रियाफल पदार्थों का कुल द्रव्यमान के। फिर आपने क्या करा, दोनों आंकड़ों को लिखा और सिंपल इसको सॉल्व कर लिया। क्या कुछ खतरनाक था क्या इसमें? कुछ खतरनाक नहीं था, सारी अवधारणा संकल्पनाओं को बिल्कुल क्लियर कर लिया, स्पष्ट कर लिया, बिल्कुल क्लैरिटी प्राप्त हो गई। तो बस सब कुछ पता चल गया। तो अब एक उदाहरण मेरे को करके बता दो, आप उदाहरण देता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, देखते हैं कौन कौन दे पाता है। चलिए उदाहरण है आपके पास, 200 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 112 ग्राम CaO तथा 88 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। सिद्ध कीजिए कि यह आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, मतलब आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो अगला वाला जो वीडियो है इसका, उसमें मैं इसका सॉल्यूशन ले आऊँगा, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सके इसका उत्तर जो है निकाल कर आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको बताऊँगा किसका सही है और किसका गलत है, ठीक है, सभी कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। आगे वाले वीडियो में अगली पर चर्चा करेंगे, ठीक है, चलिए।